नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के लिए एक बुरी खबर लेकर आई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम इलाकों में स्थित लेवाना होटल में आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी है। देखते ही देखते आग आसपास के कमरों में फैल गई। होटल धुएं से भर गया। धुआं भर जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी और कई लोग तो बेहोश भी हो गए। लेवाना होटल में आग लगने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में दमकल विभाग की टीमें और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। होटल से रेस्क्यू करके निकाले गए एक महिला और एक पुरुष पूरी तरह से बेहोश हैं। उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पहचान होटल स्टाफ की मदद से ली जा रही है। सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनके पास 7 मरीज एडमिट हैं। बताया जाता है कि होटल के कमरों में कई लोग फंसे हुए हैं, वहीं कई लोगों के आग से झुलसने की भी खबर सामने आ रही है। होटल में फंसे हुए लोगों को खिड़कियों को तोड़कर निकाला जा रहा है। अब तक 18 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बताया जाता है कि लेवाना होटल लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित है। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन से मात्र 10 मीटर की दूरी पर है। होटल के पास में ही हजरतगंज मेट्रो स्टेशन भी है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों की माने तो होटल में लगी आग काफ़ी भीषण है। वहीं होटल के अंदर काफ़ी लोग हैं। लोगों को इमरजेंसी एग्जिट तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा लोगों को निकालने के लिए होटल की खिड़कियों को भी तोड़ा जा रहा है। वहीं घटना स्थल में झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि होटल में आग लगने की वजह से धुएं से लोगों का दम घुट रहा है और इस वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को बेहोश होने के बाद रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। पूरे मामले पर लखनऊ के डीएम ने कहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जाँच के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा। आपको बता दें कि होटल लेवाना में आग कैसे लगी, इसके बारे में ठीक ठाक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेवाना होटल में सुबह करीब 7:30 बजे कमरों में धुआं भरने लगा। 8 बजे होटल स्टाफ को इसके बारे में पता चला। दमकल को सूचना देने के बाद स्टाफ बचाव में जुट गया। होटल के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग खुद ही खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। कई लोग हाथ में सामान लेकर बाहर आते दिखाई दिए। इस घटना के बाद से एक बार फिर से होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। होटल में लगे फायर सिस्टम क्यों समय पर काम नहीं कर सके? होटल में आग लगी तो कैसे लगी? इन तमाम सवालों का प्रशासन जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।